जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर शराज। हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी और हम लोग पढ़े थे इस पे चैप्टर एलर्जी का। बच्चों, एलर्जी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि यह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक इस वजह से है कि इसमें कॉमनैलिटी ज़्यादा है। कॉमनैलिटी का मतलब है एक चीज़ आम तौर पर हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे घर में, हमारे दोस्तों में, अजीज़ों में, मुख्तलिफ जगहों पे आम तौर पे पाई जाती है। हम लोगों ने खुद कॉमनली ऑब्ज़र्व किया होता है कि किसी को स्किन की एलर्जी होती है, मुख्तलिफ इंडिकेशंस के साथ वो आ रहे होते हैं, छींकें आ रही होती हैं, साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है, रिनाइटिस का प्रॉब्लम है, और भी इसके अलावा इन्फ्लेमेशन के कोई इशूज़ है, कोई ओडिमा के इशूज़ है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। हमने पढ़ा कि एलर्जी होती क्या है। हमने एलर्जेंस को पढ़ा था। एलर्जेंस हमारे दुश्मन होते हैं, इनको हम अपने दुश्मन भी कह सकते हैं। एलर्जेंस वो रीजंस होती हैं, ये वो केमिकल्स होते हैं या ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो जिस्म में एलर्जी को कॉज करती है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, हमारे जिस्म का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, इम्यून मैकेनिज्म है, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। फिर एक लंबी सी लड़ाई सी चलती है, या मुख्तसर अरसे की होगी या वो लंबे अरसे के लिए होगी, जिसमें हमारे जिस्म और एलर्जन फाइट करेंगे। हमारे जिस्म का मैकेनिज्म, हमारा डिफेंस सिस्टम एक वक्त आएगा जब उसको कॉप अप कर लेगा, उसको पकड़ लेगा, उसको मार देगा, उसको निकाल देगा और बॉडी जो है नॉर्मल पोजिशन पर वापस आ सकती है। इसका ड्यूरेशन कितना हो सकता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल फैक्टर है। मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ कंडीशन इसकी होती है। आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि मुख्तलिफ स्किन टेस्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं एलर्जी को चेक करने में, कि किस शख्स को किस चीज़ से या किस ऑर्गेनिज्म को किस चीज़, किस पार्टिकुलर सब्सटेंस, किस ख़ास चीज़ के साथ एलर्जी है, हमें कैसे मालूम होगा। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की स्टडीज़ आ चुकी हैं, लेकिन जो इसकी बेसिक्स है वो हम लोग आज स्टडी करेंगे। इन्वेस्टिगेशन यानी इसकी तहकीक करेंगे, हम तफ्तीश करेंगे कि कैसे कैसे स्किन टेस्ट आम तौर पे मौजूद है, जिससे हमें मालूम होगा कि कौन बंदा किस तरह की चीज़ के साथ एलर्जिक है, कौन सी चीज़ उसके लिए हर दफ़ा या एक दफ़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बच्चों, इसमें पहला टेस्ट है स्क्रैच। स्क्रैच को हम कह सकते हैं कि छीलना। इसमें अब वो वाला छीलना नहीं है कि स्किन को बिल्कुल ही छील के रख दिया जाए। जैसे हल्का सा आप यूँ समझें कि नाखून की मदद से जिल्द के ऊपर जब हम सेफ साइड पे रहते हुए जब हम ख़ारिश करते हैं तो हम उसे स्क्रैच कह सकते हैं, या सेफ साइड पे रहते हुए छीलने का लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि वो टेस्ट किया जा सकता है। हमने मालूम यह करना है कि किस शख्स को किस किस्म की एलर्जी किस सब्सटेंस की वजह से होती है। हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। अ स्किन प्रिक टेस्ट, आल्सो कॉल्ड ए पंक्चर और स्क्रैच टेस्ट। पंक्चर मीन हल्का सा, छोटा सा, बगैर ज़्यादा तकलीफ के सुराख कर देना, स्क्रैच कर देना यानी रब कर देना। प्रिक टेस्ट, प्रिक अगेन वो नीडल के लिए समटाइम ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, या चुटकी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि चुटकी ली जाए स्किन के ऊपर या प्रिक किया जाए। प्रिक मीन नीडल को इंसर्ट किया जाए, नीडल लगा दी जाए स्किन के साथ। चेक फॉर द इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शंस टू एज मैनी एज 50 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट वंस। लेट्स सपोज के एक एलर्जन है, एलर्जन को हमने नाम दिया ए का। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि एक शख्स मुतवातर एक कंडीशन के साथ आ रहा है, उसको मखसूस किस्म की एलर्जी यानी मखसूस सिम्टम्स के साथ आ रहा है, और एक दफ़ा नहीं आया, वो बार बार दफ़ा आया है, तो उसको चेक कैसे किया जाए कि ये उसको मखसूस यानी कि उसको किस चीज़ के साथ एलर्जी है। सिम्टम तो उसमें आ रहे हैं, चेक ये करना है कि कौन सी ऐसी वजह बन रही है जिसकी वजह से उसको एलर्जी है। तो पहला बुनियादी टेस्ट उसका स्क्रैच टेस्ट है। मुख्तलिफ 50 किस्म के सब्सटेंसेस को एक स्टैंडर्ड लिया गया है, 50 मुख्तलिफ को सब्सटेंसेस को मिक्स करके भी या अलग-अलग स्क्रैच टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं।
दिस टेस्ट इज़ यूजली डन टू आइडेंटिफाई एलर्जीज टू द पोलन। ये काम की बात है कि पोलन जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है पौधों में उनके जो है जनरेशंस, पौधों में जो न्यू जनरेशंस पैदा होती हैं उनके जो गेमेटोफाइट्स होते हैं और उनके जो फीमेल पार्ट्स होते हैं, ये जब आप मिलते हैं तो एक न्यू जनरेशन का आगाज़ होता है। तो पोलन सीजनल होते हैं, समटाइम सीजनल भी होते हैं, समटाइम ये पूरे एनुअल भी होते हैं, पूरे पूरे साल में भी पोलन हवा में मौजूद होते हैं। ये समटाइम ये किसी एनिमल के साथ अटैच हो जाते हैं, एनिमल की स्किन के ऊपर होते हैं, जब हम उसे छूते हैं तो ये पोलन हमारे स्किन के साथ टच होते हैं। और अगर किसी को पोलन एलर्जी है या किसी मखसूस किस्म के पोलन के साथ एलर्जी है तो वो फौरन इस एलर्जी का शिकार हो जाता है। हमने चेक करना है कि कोई शख्स किसी पोलन की वजह से एलर्जी का शिकार होता है, मोल्ड यानी फंगस की वजह से, फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, फंगस की वजह से उसको एलर्जी होती है, किसी पेट डेंडर किसी पालतू जानवर के बाल की वजह से या उसकी स्किन के ऊपर कुछ ऐसी जो केमिकल्स होते हैं जो उस जानवर के लिए नॉर्मल होते हैं मगर कोई शख्स उनसे बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है जो कि उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, सेंसिटिविटी का शिकार हो जाता है, एलर्जी का शिकार हो जाता है। डस्ट माइट्स भी हो सकते हैं और उसमें फूड्स भी हो सकते हैं, और डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि कोई ख़ास किस्म के फूड अगर वो खाते हैं तो वो एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। स्क्रैच टेस्ट में हम चेक करेंगे कि कौन सा एलर्जन रीज़न बन रहा है किस शख्स के अंदर किस तरह की एलर्जी में, और हम इसमें स्टडी करते हैं पोलन्स को, फंगस को, पालतू जानवरों के बाल या उनके ऊपर लगे हुए कुछ मखसूस केमिकल जो उनके लिए नेचुरल होते हैं और मिट्टी से भी हो सकता है, और मिट्टी एक कैरियर भी हो सकती है, वो कुछ चीज़ों को कैरी भी कर रही होती है, जब वो इनहेल होता है किसी इंसान के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर तो एलर्जी कॉज हो जाती है। और अगेन जैसा मैंने जिक्र किया कि कुछ फूड्स के अंदर भी ऐसे कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से एक उस चीज़ से हसास शख्स जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी का शिकार हुआ और एलर्जी का शिकार हुआ। तो स्क्रैच टेस्ट में प्रिक भी किया जाता है नीडल के ज़रिए, बिल्कुल स्किन के ऊपर थोड़ा सा कोई पार्टिकुलर सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाता है, पंक्चर किया जाता है या स्क्रैच किया जाता है, रब किया जाता है या नाखून से जैसे खुजली की जाती है तो वो उस सब्सटेंस की मदद से स्किन के ऊपर थोड़ी सी खुजली करके उसको स्किन की पहली लेयर के नीचे तक पहुंचाया जाता है। और अगर एक शख्स किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस ए यानी एलर्जन के साथ सेंसिटिव है तो इस टेस्ट की मदद से फौरी तौर पर उसकी स्किन रिएक्ट करेगी। हमने सब्सटेंस ए एलर्जन ए को लिया, हमने उसे हाथ के ऊपर रखा, जिल्द को थोड़ा सा स्क्रैच किया और सब्सटेंस ए को एलर्जन ए को थोड़ा सा मौका दिया कि वो स्किन पहली लेयर को क्रॉस करे और या स्किन के अंदर थोड़ा सा पेनिट्रेट करे, अंदर जाए। स्किन का वो हिस्सा अगर फौरी तौर पे उसने कोई एलर्जी की सिम्टम शो की, उसमें रेडनेस आ गई, उसमें स्वेलिंग आ गई, उसमें ख़ारिश जो है वो इचीनेस होना शुरू हो गई तो साबित हो गया कि किसी मखसूस सब्सटेंस के साथ किसी मखसूस चीज़ के साथ ये शख्स एलर्जिक है। उस टाइम ट्रीटमेंट होना तो एक चले एक अच्छी बात है, लेकिन आइडेंटिफाई हो जाना, पता लग जाना कि किस बंदे को किस ऑर्गेनिज्म को किस चीज़ के साथ एलर्जी है, ये सबसे एक अहम अचीवमेंट कामयाबी होती है ताकि इन फ्यूचर वो इन तमाम चीज़ों के साथ अपने आप को महफूज रखते हुए दोबारा इस तरह की प्रॉब्लम्स और तकलीफ को फेस नहीं करेगा। ये स्क्रैच टेस्ट हमारा पहला बुनियादी टेस्ट है। हम देखते हैं कि अब अगला टेस्ट कौन सा हो सकता है, दैट इज पैच टेस्ट। पैच टेस्ट को आप एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे यहाँ छोटे से पैचेस होते हैं सैलून पास के, छोटे छोटे से स्केयर की सूरत में मौजूद होते हैं, लिमिटेड सा उनका साइज़ होता है, मिलीमीटर्स में भी आप ले सकते हैं उसको, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। जैसे एक सैलून पास है उसको स्किन के किसी मखसूस हिस्से में जो कि पेनफुल होता है उसको हम वहाँ रखते हैं,
तो वो मखसूस एरिया जो स्वेलिंग का, सोजिश का, वर्म का शिकार होता है, पेन का शिकार होता है, वो वहाँ से रिलीफ हासिल करता है। तो पैच मीन कि जिन चीज़ों ने एलर्जी कॉज करनी है, जो एलर्जेंस है, उनके पैचेस बना लिए जाए, और पैचेस बनाने के बाद उसको जिस्म के किसी ऐसे हिस्से में जो कि सेंसिटिव हो वहाँ पे रखा जाए, और अगर स्किन उसके ख़िलाफ़ अपना रिएक्शन दे, सेंसिटिविटी शो करे, प्रॉब्लम शो करे, एलर्जिक साइंस शो करे, तो कन्फर्म हो जाता है कि ये जिन चीज़ों पर मुश्तमिल पैच, जिन एलर्जेंस पर मुश्तमिल ये पैच है, उसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक एक ऐसा एलर्जन मौजूद है जिसकी वजह से ये बॉडी सेंसिटिव है। अगेन ये आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल होता है, शनाख्त के अमल में इस्तेमाल होता है। तो जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि ट्रीटमेंट होना तो एक अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा ये है कि आपको फौरी तौर पे कॉजिटिव एजेंट का मालूम हो जाता है, रीज़न मालूम हो जाती है कि मुझे या मरीज़ को किस चीज़ के साथ एलर्जी है, ताकि इन फ्यूचर मुस्तकबिल में उसको इस तरह की प्रॉब्लम से बचाया जा सके। हम एक दफ़ा अपने पैच टेस्ट को रीड भी कर लेते हैं। अ पैच टेस्ट इज़ अ डायग्नोस्टिक मेथड यूज्ड टू डिटरमिन विच स्पेसिफिक सब्सटेंस कॉज एलर्जिक इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग ऑफ अ पेशेंट स्किन। डायग्नोस्टिक मेथड है, तशखीस के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हमने मालूम यह करना है कि कौन सा वो मखसूस सब्सटेंस है जो कि एलर्जी की वजह से इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग कॉज करता है। पैच टेस्टिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई विच सब्सटेंस मे बी कॉजिंग अ डिलेड टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इन अ पेशेंट एंड मे आइडेंटिफाई एलर्जेंस दैट आर नॉट आइडेंटिफाई बाय द ब्लड टेस्टिंग और द स्किन प्रिक टेस्ट। हम अगर पहले टेस्ट में फेल हो गए, अगर हमें पहले टेस्ट में आइडिया नहीं हुआ कि कौन सा एलर्जन किस हसास शख्स के लिए प्रॉब्लमेटिक है, देन वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट दैट इज़ द पैच टेस्ट। और जब हमने पैच अप्लाई किया ऑर्गेनिज्म पे सेंसिटिव एरियाज़ में जो कि फौरी तौर पे रिएक्टिव होते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं, और वहाँ पे कोई किसी किस्म की एलर्जिक साइंस आने लग गए, इन्फ्लेमेशन आने लग गए, तो हमारे लिए फौरी तौर पे इसको आइडेंटिफाई करना, शनाख्त करना बहुत आसान हो गया कि ऑर्गेनिज्म ए जो है वो एलर्जन बी के साथ रिएक्टिव है, हसास है, उसको प्रॉब्लम सिर्फ बी के साथ है। बाकी इतनी सारी चीज़ें जो हमने सपोज़ की हुई थी कि 50 मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती है, 30 मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती है जो कि एलर्जी कॉज कर रही है, तो मुमकिन है कि वो सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के साथ, एक सब्सटेंस के साथ सेंसिटिव हो, बाकी चीज़ों के साथ उसको कोई इशू ना हो। तो ये उसके लिए हेल्पफुल हो गया कि वो अपने बचाव के फ्यूचर में मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर सकता है। उन तमाम एलर्जेंस को या उस मखसूस एलर्जन को अवॉइड किस तरह से किया जा सकता है, ये एक अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट, एक अच्छा फिजिशियन भरपूर तरीके से अपने पेशेंट के साथ काउंसलिंग करते हैं, मुख्तलिफ तरीके बताते हैं कि आपने अपने आप को सेफ कैसे रखना है। इससे पेशेंट की लाइफ आसान हो जाती है, क्योंकि पीरियोडिक एलर्जी दिस मीन पीरियोडिक कॉम्प्लिकेशंस, पीरियोडिक प्रॉब्लम्स, और जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहे होते हैं उसको अंदाज़ा होता है कि मेरे अंदर ये जो इम्यून सिस्टम, अच्छा बार बार एलर्जी का होना भी जिस्म के इम्यून सिस्टम को डिफेंसिव कर देता है, वीक भी कर देता है। लिहाजा जब एक शख्स को एक आइडिया हो गया कि फ़लाँ चीज़ है ये ज़िम्मेदार है मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो अपने अच्छे तरीके से उसने उनको अवॉइड करने का तरीका जारी रखा, तो उसने अपनी लाइफ को सुखी कर लिया, उसने दूसरे अल्फाज में अपने जिस्म के मुदाफियाती निज़ाम की भी हिफाजत कर ली। तीसरा टेस्ट इंट्राडर्मल टेस्ट। इंट्राडर्मल टेस्ट में हम लोग पढ़ते हैं, इंट्राडर्मल एलर्जी टेस्टिंग इज अनदर मेथड ऑफ स्किन टेस्टिंग टू हेल्प डिटरमिन वेदर एन इंडिविजुअल इज एलर्जिक टू अ स्पेसिफिक एलर्जन। इसका कॉन्सेप्ट सेम है जैसे पहली दो स्लाइड्स में हमने देखा, पहचानना मखसूस एलर्जन को, ये हमारा बेसिक टारगेट होता है, जिसकी खातिर हमने पहले दो टेस्ट किए और तीसरा अब हम इंट्राडर्मल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। द टेस्ट इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द सस्पेक्टेड
एलर्जन सस्पेक्टेड मशकूक एलर्जन दुश्मन अंडर द सरफेस ऑफ द स्किन। इसमें भी छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि कोई एक मखसूस केमिकल है और एक शख्स ने कंप्लेंट की कि मैं इस मेडिसिन को इस्तेमाल करता हूँ या ये पेन किलर एक इंजेक्शन है या ये एक सपोर्टिव एक सप्लीमेंटल इंजेक्शन है, ये एक ताकत का इंजेक्शन है, मेरे लिए मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको जब भी मजबूरी के तहत या किसी एक मखसूस अलामत के तहत उसे मैं जिस्म में इंजेक्ट करता हूँ तो एक तरफ मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होता है। जैसे एक किसी को पेन किलर इंजेक्शन लगाया जाए वो कहता है कि मुझे पेन को फौरी तौर पर रिलीफ मिला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे जिस्म में ख़ारिश सी शुरू हो जाती है, मेरे जिस्म में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। अब इसकी कन्फर्मेशन क्या हो कि क्या वो एक रैंडम बात कर रहा है या वो एक स्पेसिफिक बात कर रहा है, क्या वो अपनी बात में सच्चा है और उसकी बात की तहकीक कैसे की जाए। तो उसमें एक जो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का, जो एलर्जी वाली फील्ड के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि उस केमिकल को सिरिंज में लेकर सस्पेक्टेड एरिया जो सेंसिटिव एरियाज में सस्पेक्टेड एलर्जन का उन्होंने इंजेक्शन तैयार किया बॉडी के सेंसिटिव हिस्सों में जो कि फौरी तौर पर रिएक्टिव होते हैं, फौरी तौर पर बता देते हैं कि हाँ जी हमें ये प्रॉब्लम हुआ या नहीं हुआ। वहाँ पे इंजेक्ट किया, आफ्टर अबाउट 20 मिनट द एरिया इज एग्जामिन्ड फॉर द रिएक्शन एट द साइट। जिस जगह पे इंजेक्ट किया गया है वहाँ पर 20 मिनट के बाद देखा जाता है कि स्किन की क्या कंडीशन है। अगर तो स्किन वहाँ पे नॉर्मल है, दिस मीन कि दिस ये जो केमिकल इंजेक्ट किया गया है ये मुमकिन तौर पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन स्किन में रेडनेस आ रही है, स्किन में इरिटेशन आ रही है, उसमें ख़ारिश शुरू हो गई है, उसमें इचीनेस आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, सोजिश है, तो ये कहा जा सकता है कि ये जो इंजेक्शन था इसमें जो केमिकल था उसमें जो मेडिसिन थी या उसमें जो भी प्रोडक्ट थी वो रिस्पॉन्सिबल है वाकईतन इस शख्स में एलर्जी कॉज करने की। और ये दूसरे अल्फाज में ये उस शख्स की दुश्मन है क्योंकि ये उसकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कर रही है। एक इसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं शेयर कर लूँ कि आम तौर पर कोई भी शख्स खुदा न खास्ता अगर गिरता है सड़क के ऊपर या किसी पक्की जगह पे तो डॉक्टर हजरात उनको रिकमेंड करते हैं टेटनस का इंजेक्शन। अब हमें कैसे मालूम होगा कि ये टेटनस का इंजेक्शन जो बेसिकली है तो सेफ्टी मेजर के लिए, उसके फ़ायदे के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हम लगा तो रहे हैं, लेकिन क्या ये उस शख्स के लिए सेफ है भी या नहीं। तो आप उससे जब हमने पढ़ा था कि काउंसलिंग की जाती है मरीज़ से, बहुत सारी चीज़ें केस हिस्ट्री ली जाती है, आप मरीज़ से जिस शख्स को चोट लगी एक सादा सा सवाल कर सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं कि आज से पहले भी आपने कभी ये टेटनस का इंजेक्शन यूज़ किया है या नहीं किया। अगर वो कह दे कि हाँ यूज़ किया है तो आपका अगला सवाल बनता है कि क्या कोई रिएक्शन हुआ था, आपको किसी किस्म की एलर्जी हुई थी या हर चीज़ नॉर्मल रह गई। अगर उसका जवाब आता है कि हर चीज़ नॉर्मल रह गया दिस पेन के, वो हम कह सकते हैं कि इसके लिए टेटनस का इंजेक्शन सेफ है। लेकिन अगर वो कहेगा कि नहीं मेरी पहले बहुत बुरी हालत हुई थी, मेरी स्किन के साथ ये मसला हुआ था, मुझे पेन शुरू हो गए थे, मेरे प्रॉब्लम हो गए थे, तो दिस मीन कि दैट पर्सन इज सस्पेक्टेड मशकूक हो गया उस एलर्जन के साथ या उस इंजेक्शन के साथ। इसका मतलब है कि अब ये इंजेक्शन उसको दोबारा लगाया जाएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, मरीज़ को कुछ याद नहीं है कि पहले कभी ऐसा वाकया हुआ और उसने इंजेक्शन लगाया हो, तब भी सबसे सेफ ये तरीका होता है कि उसके बाजू में, उसके मसल्स में आप माइक्रो लेवल का इंजेक्शन के भी 10th पार्ट या उसका 8th पार्ट जो है वो उसको सिरिंज पे ले, बिल्कुल मामूली सी ना होने के बराबर मिकदार को, और मसल्स में उसको माइक्रो लेवल का जो इंजेक्शन था उसको इंजेक्ट कर ले और जिस जगह इंजेक्ट किया है उसको एक ब्लू मार्कर से या ब्लैक मार्कर से एक दायरा एक बड़ा सा लगा लें और उसको इंजेक्शन अभी पूरा इंजेक्ट नहीं करना, थोड़ा सा करना है, हम देखना चाह रहे हैं कि उसको इस इंजेक्शन से रिएक्शन होता है या नहीं होता है। 20 मिनट के बाद आपने जिस जगह सर्कल लगाया आप उसको चेक करें, अगर वहाँ पर कोई रेडनेस स्वॉलन सोजिश है, वर्म है, एलर्जी है, जगह सूज रही है या कोई इस तरह की एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ आपको फील हो रही है
तो इमीडिएटली आपने फैसला कर लेना है कि ये इंजेक्शन उसके लिए सूटेबल नहीं है, देन व्हाट कैन बी द अल्टरनेट, दैट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द फिजिशियन, दैट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द डॉक्टर। हम लोग वो इंजेक्शन उसको इंजेक्ट नहीं करेंगे, डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं करेंगे, फार्मासिस्ट भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि इसको ये इंजेक्शन लगाया जाए, क्योंकि हमें मालूम हो गया कि ये पेशेंट इससे एलर्जी है। अगर 20 मिनट तक किसी किस्म का कोई एलर्जिक साइन वहाँ पर शो नहीं होता तो वो इंजेक्शन उसको सेफली लगाया जा सकता है। ये एग्जाम्पल टेटनस के इंजेक्शन की मैंने इसलिए कोट की ताकि हम इंट्राडर्मल टेस्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। कोई भी चीज़ मशकूक, दुश्मन, एलर्जन है, थोड़ी सी मकदार लें और एलर्जन सस्पेक्टेड है यानी कि मशकूक है, हम चेक ये करना चाह रहे हैं कि क्या इसी की वजह से ये बेचारा, ये मरीज़, ये शख्स जो है वो बार बार सफ़र कर रहा है। तो आप उसकी मामूली सी मकदार ले लें, इंजेक्ट कर दें उसको स्किन के अंदर, बेशक स्किन को थोड़ा सा उठा के थोड़ा सा उसमें माइक्रो लेवल की मामूली मकदार इंजेक्ट कर दें, ज़्यादा डीप भी ना करें ताकि वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। 20 मिनट के बाद जब आप उस सर्कल्ड एरिया को एनालिसिस करेंगे, हर चीज़ क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट मीन के दैट टाइप ऑफ केमिकल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम शो होना शुरू हो जाए तो वहाँ पर आपके लिए स्टेप लेना, एक समझना बहुत आसान हो जाता है कि ये चीज़ इसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, और यानी कि वो शख्स सही कंप्लेंट करता है कि मुझे ये प्रॉब्लम पहले भी इस टाइप के एलर्जन से होता रहा है। हमारे लिए आसान हो गया शनाख्त करना, हमें पता लग गया कि ये एलर्जन वाकई इसका दुश्मन है, ये इसको नुकसान करता है और ये प्रॉब्लम इसकी जो है वो सच्ची है। फिर व्हाट कैन बी द अल्टरनेटिव, वो फिर उनके फिजिशियन जो है, उनके जो डर्मेटोलॉजिस्ट जो है, वो उनके स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं, वो बेहतर डिसाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे तरीके से आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इंट्राडर्मल टेस्ट की क्लैरिटी हो गई होगी। एलर्जी की ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या सेफ साइड पर रहते हुए हम एलर्जी को ट्रीट कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ एहतियात के पेश नज़र वो है इन्वायरमेंटल कंट्रोल। ये है जनरल पर्सपेक्टिव। केमिकल कंट्रोल, इन्वायरमेंटल कंट्रोल मेजर्स एंड रिमूव सोर्सेज ऑफ फूड एंड वाटर। देखें, खालिस चीज़ हो तो नुकसान नहीं देती, कंटेमिनेशन उसमें हो जाए, उसकी हाइजीन ख़राब हो जाए, उसकी सफाई ख़राब हो जाए, उसका जो खालिसपन है वो ख़राब हो जाए, कोई बाहर से ऐसी चीज़ जो जिस्म के लिए एक्सेप्टेबल ना हो वो उसमें शामिल हो जाए। पर हम लोग बाज़ औक़ात बाहर वाली चीज़ें, जो लोग बाहर से खाना खाते हैं मुख्तलिफ दुकानों से या मुख्तलिफ चीज़ों से, पहले वो तसल्ली कर लिया करें कि जिस चीज़ को वो खाने जा रहे हैं उसकी हाइजीनिक कंडीशन, उसकी सफाई और उसको महफूज रखने के लिए दुकानदार ने, मालिक ने क्या सिस्टम रखा हुआ है कि क्या उसमें मक्खियाँ या कोई उसमें दूसरी चीज़ें या कोई डस्ट से बचाव को कोई अच्छा सा सिस्टम है या नहीं है। इसको हम बोलते हैं कंटेमिनेशन, यानी मिलावट का हो जाना। कंटेमिनेटेड चीज़ हमेशा एलर्जी कॉज करती है और बहुत कम खालिस फूड जो है वो एलर्जी कॉज करती है, और वो भी सिर्फ स्पेसिफाइड किस्म के लोगों को जिनको फूड के अंदर किसी ख़ास केमिकल के साथ या किसी ख़ास इन्ग्रीडियंट के साथ एलर्जी हो। अदरवाइज हाइजेनिक फूड प्रॉब्लम नहीं करती इन जनरल बट इन स्पेसिफिक। लेकिन कंटेमिनेटेड फूड, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे सफ़र फ्रॉम द एलर्जी बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेटेड, मिलावट ज़्यादा फूड के साथ। अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज़ व्हेन पोलन एंड स्पोर काउंट्स आर एलिवेटेड। एक ऐसा मखसूस सीज़न जिसमें पोलन्स की तादाद और स्पोर्स की तादाद, जैसे फसलों की कटाई के मौके पे भी होता है, मुख्तलिफ गंदम की कटाई के मौके पे भी होता है, कपास की कटाई में भी होता है, कि इनके जो छोटे छोटे स्पोर से बन जाते हैं कटाई के दौरान, वो फिर हवा में दाखिल हो जाते हैं और फिर हवा का जिस साइड पर रुख होता है तो बहुत दूर 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 तक ट्रैवल करते हैं। अक्सर लोगों को, जो वैसे आम लोग, जो आम लोग मास्क यूज़ कर रहे होते हैं उनको किसी हद तक वो सेफ़ रह जाते हैं, लेकिन जिनको उन पोलन्स के साथ और उन स्पोर्स के साथ और उन पार्टिकल्स के साथ एलर्जी होती है वो बेचारे सफ़र करते हैं।
तो ऐसी कंडीशंस में जब हमारे माशरे में एक फिजा में हवा में इन चीज़ों की मिकदार जब ज़्यादा होने लग जाए तो आप अवॉइड करेंगे कंप्लीट, अपने आप को सेफ रखेंगे इस तरह की इन्वायरमेंट से। एलिमिनेट वाटर लीक्स एंड डैम्प एरियाज एसोसिएटेड विद द मोल्ड ग्रोथ। जिन जिन जगहों पे पानी खड़ा हुआ है और वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ और वहाँ पे फंगस की ग्रोथ के चांसेस है, उन जगहों पे जाने से भी और वहाँ की चीज़ें इस्तेमाल करने से भी आपने परहेज़ करना है। कंसीडर रिड्यूसिंग इंडोर ह्यूमिडिटी टू लेस देन 50%। ह्यूमिडिटी, नमी का तनासुब भी बहुत अहम होता है, क्योंकि नमी का तनासुब बाज़ औक़ात ज़्यादा हो तब भी प्रॉब्लमेटिक होता है, और तनासुब अगर कम हो जाए तो तब भी प्रॉब्लमेटिक होता है। नमी का तनासुब ज़्यादा हो जाए तो बैक्टीरियल ग्रोथ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो एलिवेट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और कम होने की सूरत में हमारी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी जो है वो डाउन होने के खदशा होता है। इम्यूनिटी कम हो तो वो बहुत जल्द एलर्जन को पिक कर लेते हैं, ऐसी चीज़ों को पिक कर लेते हैं जो कि जिस्म के लिए नुकसान देते हैं। और जब माइक्रोब्स का लेवल या इन्फेक्टेड चीज़ों का लेवल एनवायरनमेंट में, फिज़ा में ज़्यादा हो तब भी एक ह्यूमन लेवल के लिए, एक ऑर्गेनिज्म के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अवॉइड एक्सपोजर टू एक्टिव एंड पैसिव टोबैको स्मोक। टोबैको स्मोक कर लंग्स की इम्यूनिटी को कम करते हैं, बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी को कम करते हैं, तो टोबैको स्मोकिंग ऐसे इन्वायरमेंट से भी हमेशा परहेज़ किया जाए जहाँ पे तम्बाकू नोशी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ताकि ना सिर्फ आप अपने लंग्स को, अपने जिस्म की इम्यूनिटी को सेफ रखें और आने वाले जो हर्डल्स हैं और जो एलर्जीज की रीजंस हैं, जो एलर्जेंस हैं, इनके इफ़ेक्ट्स को या तो मिनिमाइज करें या इनको बिल्कुल ही अवॉइड करें। बच्चों, अगली स्लाइड हमारी सिम्टोमेटिक ड्रग थेरेपी। हम इलाज इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसमें देखा था प्रिकॉशनरी मेजर, कि आपने अपना हिफाजती तौर पे क्या करना है। आपने हर वो चीज़ अवॉइड करनी है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, नहीं तो एक दफ़ा बीमारी हो गई, एक दफ़ा एलर्जी कॉज हो गई तो फिर उस पर इलाज होता है। फिर इलाज का होना और सही तशखीस और सही इलाज का होना एक बहुत बड़ी नेमत होती है। इलाज करते हैं लेकिन उसमें भी ये होता है कि अगर ऐसी नौबत ना ही आए, ऐसे एलर्जेंस को दाखिल होने का मौका ना ही मिले तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर एलर्जी कॉज हो गई है तो ज़ाहरी बात है उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। हमारे पास चॉइसेस है, वो उसकी एंटी हिस्टामिन्स है, हमारे पास स्टीराइड्स की सूरत में भी इलाज मौजूद है और सिंपैथोमाइमेटिक्स की सूरत में भी इलाज मौजूद होता है। इम्यूनोथेरेपी की जाती है, यानी कि जिस्म के अपने इम्यून सिस्टम को इस कदर एक्टिवेट किया जाता है कि पैथोजन को, एलर्जन को, नुकसानदेह चीज़ों को जिसम खुद ही इस काबिल हो कि उसका मुकाबला करके उसको ख़त्म कर दे। किसी और चीज़ों की, किसी सप्लीमेंटल थेरेपी वायरल बहुत बेहतर होती है, मेडिसिन की ज़रूरत अगर ना हो, या एक शख्स अगर बार बार सफ़र कर रहा है तो उसके लिए इम्यूनोथेरेपी की जाती है। इम्यूनोथेरेपी की मैं आपको एक छोटी सी मैं मिसाल दे दूँ। जैसा कि आजकल हमारे यहाँ कोरोना वायरस के जैसे इशू है, तो वैक्सीनेशन, बेसिकली वैक्सीन कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कॉज करता है उसको इस हद तक कमज़ोर कर दिया जाए कि वो बिल्कुल ही डेड लेवल पे हो जाए, यानी कि किसी किस्म का नुकसान ना पैदा करे। जब उसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, एक डेडली या नियर डेडली वायरस को, पैथोजन को, तो जिस्म फौरी तौर पर अपनी आर्मी को, अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अब चूंकि वायरस की या पैथोजन की या इंजेक्टेबल चीज़ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल ही डाउन होती है, कमज़ोर हालत में होती है, हमारा जिस्म बहुत जल्द मुदाफियाती निज़ाम के तहत उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप कर लेते हैं। एंटीबॉडी हमारी फोर्स होती है, जो कि एंटीजन हमारे दुश्मन होते हैं, एंटीबॉडी हमारी फोर्स है। एंटीबॉडी जब हमारे जिस्म में डिवेलप हो गए तो दिस मीन कि अब उनको एंटीजन की शनाख्त में मसला नहीं है। अब जब वो शख्स इन फ्यूचर नेक्स्ट टाइम इसी मखसूस एलर्जी का शिकार होने जाएगा एंटीजन की वजह से, तो एंटीबॉडीज़ जिस समय पहले से मौजूद होते हैं, एंटीबॉडीज़ को बिल्कुल पता होता है कि ये एंटीजन पहले भी आए थे और हमने इसको इस तरीके से मुकाबला करके हमने इनका खात्मा किया था, तो इसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। सादा लफ्ज़ों में मैं आपको ये बताऊँ, दुश्मन को एंटीजन कहा जाता है जो जिस्म में किसी भी तरीके से दाखिल हो सकते हैं। हमारी आर्मी, हमारे जिस्म का निज़ाम फौरी तौर पे उनको कवर करने के लिए, उनको डिफीट, शिकस्त देने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाते हैं।
एंटीबॉडीज़ सक्सेसफुल होते हैं आमतौर पे, क्योंकि एंटीजन जब हम इम्यूनोथेरेपी में एंटीजन को ऐड करते हैं जिस समय, तो वो वीकेंड हालत में होते हैं, कमज़ोर हालत में होते हैं। एंटीबॉडीज़ बहुत जल्द उन्हें सरपास कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं, उन्हें ख़त्म कर देते हैं। और कंप्यूटराइज जिस्म के कंप्यूटराइज निज़ाम के तहत एंटीबॉडीज़ को सारा मैकेनिज्म समझ आ जाता है कि हमने इनको काबू नेक्स्ट टाइम में कैसे करना है। तो इम्यूनोथेरेपी की जाती है। अब ऐसा शख्स जिसकी इम्यूनोथेरेपी हुई भी है, अगर एलर्जन एंटीजन उसको दोबारा इन फ्यूचर जब कभी भी आएगा, उसके अपने एंटीबॉडी सारा शनाख्ती अमल और सारा हिफाजती मैकेनिज्म के तहत इतने एक्टिव होंगे कि वो उसे तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। द शॉर्ट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम जस्ट अ लिटिल ईच टाइम। वैक्सीनेशन, ये वही चीज़ है। इम्यूनोथेरेपी में मैंने वैक्सीनेशन के प्रोसेस को भी एक्सप्लेन कर दिया है। एलर्जी शॉट्स और रेगुलर इंजेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली अराउंड 3 to 5 years, इनकी भी एक लिमिट होती है वैक्सीनेशन की, यानी इनकी एक एफिकेसी का टाइम पीरियड होता है। कुछ वैक्सीनेशन जो हैं वो 3 साल के लिए भी इफेक्टिव होती हैं, कुछ 5 साल के लिए। तो डॉक्टर जो हैं वो एक शेड्यूल बना लेते हैं एलर्जिक पेशेंट्स का, कि जो वैक्सीन उसको सूट कर रही होती है वो उन्होंने उसको तजवीज़ करने के बाद उनको रिकमेंड किया जाता है कि इतने अरसे बाद आपने, हर इतने अरसे बाद दोबारा अपने आप को वैक्सीनेट कराते रहना है, ताकि आप ये लगातार जो प्रोसेस तकलीफ फेस कर रहे थे, आप इनसे इन फ्यूचर बचते रहेंगे। टू स्टॉप और रिड्यूस एलर्जी अटैक्स, राइट। एलर्जी शॉट्स आर ए फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट कॉल इम्यूनोथेरेपी। ये वही इम्यूनोथेरेपी जिसका हमने जिक्र किया, और बड़ी डिटेल से हमने कोरोना वायरस को भी इसमें एक आइडिया के तौर पर लिया कि इम्यूनोथेरेपी और वैक्सीन के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ईच एलर्जी शॉट कंटेन्स अ टाइनी अमाउंट ऑफ द स्पेसिफिक सब्सटेंस और सब्सटेंस दैट ट्रिगर योर एलर्जिक रिएक्शन, एंटीजन और एंटीबॉडी। ये सारा का सारा हमने एक्सप्लेन किया और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये समझ भी आ गया होगा। एलर्जी का मैकेनिज्म क्या होता है, देयर डिवेलपमेंट इज़ ड्यू टू बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, लोगों को पीछे से, यानी कि उसके दादा को, उसके वालदैन को, या उसकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो ये एक जेनेटिक फैक्टर भी होता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इन्वायरमेंट चूँकि बहुत बड़ी होती है और इन्वायरमेंटल लाखों करोड़ों चीज़ों को कैरी कर रही होती है, तो हसास शख्स किसी एक चीज़ के साथ सेंसिटिव होता है, और वो चीज़ उसके साथ जब इंटरेक्ट करती है तो एलर्जी के फैक्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं। अंडरलाइंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी, पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम। हमारे जिस्म का जो मुदाफियाती निज़ाम है, हमारे जो आर्मी है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ई भी होता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर IgE वीक है, एलर्जन जो है उसने टेक ओवर कर लिया, उसने IgE को काबू कर लिया, ये चले गए वाइट सेल्स, मास्ट सेल और बेसोफिल्स, ये वाइट सेल्स की एक टाइप्स होती है, ये उनके पास लेके चला गया, और नतीजा ये हुआ कि उसने अपनी मर्जी से ऐसे केमिकल्स रिलीज़ कराए जिन्हें हिस्टामिन कहा जाता है, और हिस्टामिन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, चाहे वो सोर थ्रोट की सूरत में हो, आँखों से पानी की सूरत में, आँखें मसलने की सूरत में, स्वेलिंग की सूरत में, ओडिमा की सहूलत में की सूरत में। ये सारी चीज़ आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जब एलर्जन स्ट्रॉन्ग होंगे, बॉडी का मैकेनिज्म वीक होगा। जब बॉडी का मैकेनिज्म वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो एलर्जन्स को काबू करने में उनको बहुत आसानी रहती है। ठीक है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं जो कि एलर्जी कॉज करते हैं, तो उसके मुख्तलिफ केमिकल नेम है। इनको बहुत ज़्यादा हमने डिटेल से नहीं देखना, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि एलर्जी के जो कॉजिटिव एजेंट्स होते हैं उनके केमिकल नेम क्या क्या हो सकते हैं। उसमें हिस्टामिन भी हो सकता है, उसमें ब्रेडिकाइनिन भी हो सकते हैं, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन भी हैं, उसमें इंटरल्यूकिन 1 भी है, उसमें इंटरल्यूकिन 2 भी है, उसमें लिपोट्रिन भी शामिल है। बच्चों, हमने बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारे जिस्म का मुदाफियाती निज़ाम क्या होता है, एलर्जन जो है वो हमारे दुश्मन हैं, वो किस तरीके से अटैक करते हैं, ये इंडिविजुअल फैक्टर होता है। हर शख्स को हर चीज़ के साथ एलर्जी नहीं होती, लेकिन स्पेसिफिक लोग, ख़ास लोग किसी ख़ास चीज़ के साथ एलर्जिक होते हैं। सबसे पहले उसके लिए तजवीज़ ये दी जाती है कि उसको जिस चीज़ के साथ एलर्जी है और उसको उसके बारे में इलम है, तो वो अपने आप को कम्प्लीट अवॉइड करेगा, उससे दूर रखेगा, सिक्योर करेगा, अपने आप को सेफ साइड पर रहेगा, ताकि उसको एलर्जी कॉज ना हो। फिर हमने स्क्रैच टेस्ट देखे, पैच टेस्ट देखे, इम्यूनोथेरेपी देखी, हमने वैक्सीनेशन के अमल देखे कि किन किन चीज़ों की, किन किन केमिकल टेस्ट की मदद से हमें आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि एक शख्स ए को किसी बी से, सी से, डी टाइप के एलर्जन से उसको एलर्जी हो जाती है।
और जब यह शनाख्त का अमल मुकम्मल हो जाता है, जब एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि इस स्पेसिफिक चीज़ की वजह से उसको ये प्रॉब्लम होता है, तो फिर आपका फिजिशियन, आपको डॉक्टर एक अच्छे तरीके से तजवीज़ करता है कि इनसे बचाव कैसे मुमकिन है और इनका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे मुमकिन है। ट्रीटमेंट की हमने जनरल कैटेगरी देखी थी, उसमें स्टीराइड जो थे और उसमें एंटी हिस्टामिन जो थी, ये सारी चीज़ें शामिल थी। और लास्ट में हमने देखा था कि हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये वो केमिकल मीडिएटर्स हैं, ये उन केमिकल्स के नाम हैं जो कि एलर्जी फैलाने में और एलर्जी क्रिएट करने में जिनका एक अहम रोल है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आ गई होगी। और आज के साथ ही हमने इस लेक्चर के साथ ही चैप्टर एलर्जी जो है वो हमने ख़त्म कर लिया। कल इंशाल्लाह एक इसकी भरपूर समरी और एक भरपूर तरीके से इसके MCQs की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की और शॉर्ट क्वेश्चंस की हम तैयारी करेंगे, ताकि एक भरपूर तरीके से हम इसको रिव्यू करें और इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर अपने नॉलेज की ग्रिप को मजबूत करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अब अपना ख्याल कीजिए, ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।